अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम आपको दिखाते हैं कि धोती शलवार की स्टिचिंग कैसे होती है। तो पहले हमने इसकी वीडियो बनाई है कटिंग की, तो आज इंशाल्लाह हम आपको इसकी सिलाई का तरीका बताएंगे कि कैसे सिलाई होती है और कैसे प्लेटें लगती हैं, कैसे बेल्ट लगाया जाता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं, हमारी पूरी वीडियो आपने देखनी है, हमारे साथ जुड़े रहना है, तो ताकि आपको समझ आ सके। पूरी वीडियो हमारी आप देखेंगे तो आप इंशाल्लाह आपको मुकम्मल धोती शलवार की सिलाई की समझ आ जाएगी। तो आइए दिखाते हैं आपको। ये देखो, इसका आसन है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारा आसन है। और इधर हमने 2 इंच कटिंग की थी, ये देख सकते हैं। ये हम इसको सिलाई लगा लेंगे, पहले पहले इधर हम पैर की सिलाई लगा लेंगे, इसको इसको भी पैर की सिलाई लगा लेंगे। तो इधर फिर हम प्लेट्स लगाएंगे, इसको आसन में बाद में बंद करेंगे। अभी आपको दिखाते हैं सिर्फ हम इधर से इसको बंद करने का तरीका। और ये जो प्लेट्स हैं ना, हमने इस तरह लगानी है इसको, और ये प्लेटें इस तरह होंगी और ये प्लेटें इस तरह होंगी। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसी इसकी जो है ना लुक आएगी और कैसे इसकी प्लेट्स बनेगी, इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत बनेगी। हमने हमारी पूरी वीडियो आपने देखनी है ताकि आपको समझ आ सके। ऊपर हम बेल्ट लगाएंगे, सारा तरीका आपको बताएंगे, आपने सही गौर करना है। तो आइए आपको सिलाई लगा के इसकी चेक कराते हैं। ये पांचा है, ये आपको मैंने बता दूं, ये हमारा पांचा है, ये भी इसका तरीका भी आपको बताएंगे इंशाल्लाह। निशान लगाते हैं, ये अंदरी साइड है, ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। इस पे भी हम निशान लगा लेते हैं और इस पे भी निशान लगा देते हैं। अभी हम इसको ऐसे करेंगे, इसको सिलाई लगाएंगे ऐसे करके, मैंने आपको बताया था। इधर से हम इसको पैर की सिलाई लगाएंगे, ये फर्स्ट टाइम सुबह का टाइम है, हम पहले इसी को बना रहे हैं ताकि आपको समझ आ सके। सुबह सुबह का टाइम है, ये देखो नजर निशान देख सकते हैं अभी आप। हम इसको ऐसे डबल करेंगे, ऐसे करके अभी इसको भी पैर की सिलाई लगाएंगे। ये पूरी वीडियो देखनी है, पहले हमारी धोती शलवार की कोई वीडियो नहीं है, तो अभी ये हमारे पास धोती शलवार आई थी तो हमने बोला वीडियो बना लें। ये देखो अभी इसको भी हम पक्का कर रहे हैं, पक्का कर दिया। अभी हम दोनों की हमारी सिलाई लग चुकी है, ये देख सकते हैं, ये देखो। अभी इसकी प्लेट्स हम इस तरह लगानी है, इंची की प्लेट लगाएंगे, 2 इंच कपड़ा फोल्ड होगा, एक इधर से एक इंच इधर से, ये देख सकते हैं अभी ऐसे। तो ये इधर प्लेट, ये इनका रुख इधर होगा, ये हमारा देखो अभी ये ऐसे बन रही बन जाएगी हमारी, ये देख सकते हैं अभी। इंशाल्लाह आपको समझ आएगी, पूरी वीडियो हमारी देखनी है, इंशाल्लाह आपको पसंद भी आएगी। ये अभी हम इसको हम सिलाई लगाने लगे हैं प्लेट्स, ये देखो हमारी सिलाई जो हमने जोड़ लगाया था ना, ये सिलाई लगाई थी पैर का, तो अभी इधर से हम शुरू करेंगे। अभी हमने 1 इंच की प्लेट, ये देख सकते हैं अभी, मैं तो अभी आपको नाप के दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आ सके। ये देखो ये 1 इंच प्लेट है, ये अभी 1 इंच की हमने प्लेट लगाई है पहली। अभी दूसरी प्लेट लगाएंगे, वो भी 1 इंच की। अभी फिर नाप करता हूँ, ये देखो यहाँ 1 इंच की है, ये देख सकते हैं, सही है। अभी इस तरह आपने प्लेट्स 1 इंच वाली लगानी है। जब 1 इंच कपड़ा फोल्ड करोगे तो कपड़ा 2 इंच कवर होगा। देखो अभी 1 इंच इधर से, 1 इंच इधर से, ये देख सकते हैं अभी इसको भी हम 1 इंच प्लेट्स लगा रहे हैं। ये अभी हमारी प्लेट्स मुकम्मल होने वाली हैं, ये देख सकते हैं, एक तरफ से हमारी प्लेट्स मुकम्मल हो गई हैं। अभी दूसरी तरफ लगाते हैं, देखते हैं फिर आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। अभी इस तरफ हमारी प्लेट लग चुकी हैं, ये देख सकते हैं, ये देखो अभी भी आपको अच्छी लग रही होंगी इंशाल्लाह। देखो ये अभी इंशाल्लाह दूसरी तरफ से हम लगाएंगे, अभी इसको ऐसे रखेंगे,
एक इंच मैंने आपको बताया था, ये अभी ऐसे ये हमने प्लेट अभी लगा दिए। अभी देखो ये, देखो ये देख सकते हैं अभी ये कैसे बन रहा है, यू बन गया। इसी तरह जो पहले लगाई थी, इसी तरह पहले लगानी है हमने। ये अभी हमारी प्लेटें मुकम्मल होने वाली हैं इस तरफ की, इंशाल्लाह अभी आपको दिखाते हैं हम। एक साइड की हमारी प्लेटें मुकम्मल हो गई हैं, ये अभी आप हम दिखाते हैं कि हमारी, ये देख सकते हैं अभी इसने इस तरफ आना है, ये देख लें, ये हमारी धोती शलवार है, ये एक साइड की है। तो अभी इंशाल्लाह दूसरी साइड की भी हम लगाते हैं, फिर इसके ऊपर ब्लेड चलाएंगे सिंगल में, तो ये इस तरफ फूट बनेगा। ये देख लेते हैं, ये मुकम्मल मुकम्मल आ रही है कैमरे, ये देख सकते हैं अभी ये नीचे की तरफ हमारा पांच है, ये देख सकते हैं अभी ये एक साइड है, ये मेरी उंगली तरफ लगाओ, उंगली में नजर आ रही है, ये देखो अभी ये हमारी प्लेट्स लग गई हैं और ये हमारा पांच है, ये एक साइड की है। तो अभी इंशाल्लाह दूसरी साइड पे लगाते हैं प्लेटें, ये देख सकते हैं अभी आप, ये देखो ये हमारी इस तरह एक साइड की हमने प्लेट लगाई है वो इस तरह आ रही हैं, इंशाल्लाह दूसरी साइड की भी इस तरह ही आएंगी। तो अभी अब दूसरी साइड दिखाते हैं आपको कटिंग की, इंशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बनेगी धोती शलवार, हमारी पहली वीडियो धोती शलवार की। अच्छा ये अभी देख सकते हैं अभी दूसरी साइड, एक साइड की हम प्लेट लगा दी, अभी इसकी हमने दूसरी साइड की प्लेट लगाएं लगानी है, हमारे साथ रहना है, जुड़े रहना है, पूरी वीडियो देखनी है, इंशाल्लाह आपको समझ आ सके। हम बड़ी जो है ना मेहनत से इसको बना रहे हैं, फर्स्ट टाइम है, सुबह का टाइम है, तो अभी हम इस साइड पर प्लेट लगाते हैं, देख सकते हैं अभी इंशाल्लाह। पहली प्लेट हमने लगा दी है सर की, देखो कैसे फूल बनेगा, कमेंट्स में बताना कैसा प्यारा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इंशाल्लाह प्यारी बनेगी। तो आगे हम प्लेट लगाते हैं इसकी, इसी तरह एक इंच की प्लेटें लगाते जाना है। देखो अभी हमारी इस तरफ की प्लेट्स लग चुकी हैं, देखो ये 12 इंच 12.5 इंच सही है, अभी दूसरी तरफ लगानी है। अभी ये देख सकते हैं कि इनकी प्लेटों का रुख हमने कैसे रखा है, इस तरफ रखा है, और इस तरफ का रुख जो है ना वो हमने इस तरफ रखना है, इस तरफ हमने रुख रखना है ये, ताकि इस हमारे तरफ फूल बन जाए। तो अभी हम इस तरफ आपको दिखाते हैं, गौर से देखा करें वीडियो, तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी आपको। अभी इस तरह हम प्लेट लगाते हैं, ये भी इधर भी 1 इंच की लगानी है, या भी किस तरह ये फूल बन रहा है, या हमने पहली प्लेट लगाई है इस तरह बन गया, दूसरी प्लेट लगाई है तो इस तरह बन गया, ये देख सकते हैं अभी ये सारी 1-1 इंच की प्लेट लगानी है। ये अभी हमारी आखिरी प्लेट है, ये अभी हमारा जो है ना
इस तरफ की प्लेटें भी मुकम्मल हो चुकी हैं इंशाल्लाह। सही, अभी हम बेल्ट लगाते हैं। ये बेल्ट की सीधी साइड है, ये उल्टी साइड है, ये देख सकते हैं ये हमारा बेल्ट है, सिंगल पीस है। तो सिंगल हम लगाना है, इसको बेल्ट को नीचे रखना है। ये भी सीधी साइड है शलवार की, तो ये बेल्ट की सीधी साइड है, तो सीधी साइड मिलानी है साथ। तो बेल्ट को रखना है नीचे, तो प्लेट्स वाला ये ऊपर करना है, ताकि आपने इसी को सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है। अभी देखो ये बेल्ट को हम नीचे रखने लगे हैं, और ये सलवार को ऊपर, ये प्लेट, ताकि प्लेट की सिलाई नज़र आए हमें। ये हमने पूरा किया है, ये देख सकते हैं अभी इंशाल्लाह इसको हम पूरा कर लेते हैं। पहले दिखा देता हूँ मैं आपको, तो ये हमारी प्लेट के साथ बेल्ट पूरा है, ये देख सकते हैं। तो आइए अब सिलाई लगाते हैं, हमारे साथ रहना ताकि आपको मुकम्मल वीडियो की समझ आ सके। धोती शलवार का बेल्ट कैसे लगाते हैं, अभी हम इसको बेल्ट लगा रहे हैं। देखो ये सिलाई है प्लेट्स वाली, इसको ऊपर आना है, प्लेट्स का भी ख्याल करना है ताकि सीधी रहें अपनी जगह पे, तो इसी तरह लगाना है। ये देखो अभी प्लेट्स को हम कैसे सिलाई लगा रहे हैं, देखो इसके साथ साथ नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, थोड़ा नीचे की तरफ, तो इसी तरह आपने भी लगाना है। ये देख सकते हैं अभी हम इसकी प्लेट्स लगा रहे हैं, ये अभी हमारी प्लेट्स की सिलाई एक तरफ की मुकम्मल होने वाली है, तो दूसरी साइड जब दिखाएंगे इंशाल्लाह। अभी ये पता कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह ये हमारा हो गया। अभी अभी हमारा एक तरफ हमने ये बेल्ट लगा दिया, ये आपको नज़र आ रहा है इंशाल्लाह। अभी दूसरा साइड का बेल्ट लगाते हैं, तो आइए हम दूसरी साइड दिखाते हैं बेल्ट लगाने का तरीका। इसका भी उल्ट, ये सीधा है और ये उल्टा है, इधर भी निशान लगाएंगे, ये निशान लगा दिया, इसी तरह ये उल्टा है। अभी आप दिखाते हैं इस तरह बेल्ट लगा के, इसी तरह लगाना है, ये जिस तरह वो लगाया ना, इसी तरह सेम इस तरह लगाना है। बेल्ट को नीचे की तरफ रखना है, देख सकते हैं अभी इस तरह, ये हमारी प्लेट की सिलाई दूसरी भी मुकम्मल हो गई है। इधर हम पक्का कर लिया, स्टॉप कर, स्टॉप कर, स्टॉप। अभी दूसरी साइड की भी हमारी, देखिए बेल्ट हमने टच कर दिया, ये आपको नज़र आ रहा होगा इंशाल्लाह। आइए अभी हम बेल्ट के ऊपर कंकर की सिलाई लगाने जा रहे हैं, तो ये अभी आपने देखनी है कि हम कंकर सिलाई कैसे लगाते हैं। ये देखो ये दबाव है ऊपर की तरफ, बेल्ट की तरफ, तो आइए आपको दिखाते हैं, तवज्जो करें, देखें ये कैसे सिलाई हम लगाते हैं कंकर की। ये देखो हमारे ये बेल्ट के ऊपर कंकर सिलाई लग चुकी है, ये देखो दोनों पे ऊपर लग चुकी है। अभी हम इसको बेल्ट जोड़ेंगे आसन तक, ये देख सकते हैं अभी। ये हमारी पूरी वीडियो देखनी है आपको, ताकि आपको समझ आ सके। तो आइए दिखाते हैं बेल्ट की सिलाई साइड की, जो लगाते हैं हम आसन की, बेल्ट को हमने जोड़ना है, क्या करना है जोड़ना है, तवज्जो फरमाइए। ये दबाओ भी ऊपर की तरफ रुख, बेल्ट की तरफ, ये ध्यान करना है, इस तरह ना इसको ऐसे कल्टी करते रहे। तो ये अभी पैर का दबाव हम सिलाई लगा रहे हैं, ये प्लेट्स देखो ऊपर की तरफ बिठानी है, ये नीचे तरफ आसन की तरफ जाना है। ये पूरी वीडियो आपने हमारी देखनी है, ताकि आपको समझ आ सके। ये देखो ये सिलाई लग चुकी है, अभी दूसरी तरफ भी ऐसे ही लगाना है। देखो एक साइड लग चुकी है, अभी दूसरी तरफ बेल्ट को सिलाई लगाएंगे इसी तरह जैसे पहले आपको मैंने दिखाया। तो आइए देखें, तवज्जो फरमाएं, ये इसी तरह इसको भी लगाना है, ये देख सकते हैं अभी पक्का कर दिया हमने इसको, अभी निकाल लेते हैं मशीन से। फर्स्ट एक हमने इसमें काटनी है, बेल्ट हमारा था 25 इंच, तो लास्ट एक हम काटेंगे सिंगल में 25 इंच। ये देखो
ये 25 इंच हम इसको काट रहे हैं, ये अभी इसको हम जोड़ लगाते हैं लास्ट को ऐसे। इस तरह जोड़ लगा लेने, इसको सही पक्का कर लेने, लग चुके हैं बस। अभी ऐसे करना है कि इसको हम थोड़ा पैर की सही लगा लेंगे इधर, ताकि हमारा नेपा सही आसानी से बैठ सके, दबाव एक दिखाएगा ये आपको हम, ताकि आपको समझ आ सके इस वजह से हम सिलाई लगाते हैं। हम तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन आपके लिए जो है ना ये अभी पैर की सिलाई लगा देंगे इसको हम। हमारी सिलाई लग चुकी है ऊपर बिल्ड की, पैर की। अभी हम बिल्ड को ऐसे फोल्ड करेंगे, अंदर इसकी इलास्टिक देंगे, अभी इसको हम देख सकते हैं। अभी इधर हम इसको इसके अंदर इलास्टिक दे के इसको अभी सिलाई लगाएंगे। ये जो जोड़ है ना सिलाई का, इसका बराबर रखेंगे तो इंशाल्लाह हमारा ये लाइन सीधी आएगी। अभी देख सकते हैं साथ साथ हम नेफा लगाएंगे, साथ साथ इसके हम इलास्टिक डालेंगे, ये देख सकते हैं। अभी देखो अब इसको हम साथ साथ इलास्टिक को भी सेट कर रहे हैं, नेफे को भी सेट कर रहे हैं। देखो अभी इसको खींच लेते हैं बंदा, ये देखो खींच लेंगे अभी इसको हम, ये आपके सामने खींच रहे हैं इसको, इलास्टिक आग कर लेंगे ताकि हमारा आसानी से नेफा लग सके। देखो अभी इस तरह खींच लेंगे इसको, तो अभी हमारा आसानी से आ जाएगा, ईजी होगा हमारे लिए नेफा फोल्ड करना। ये देखो अभी हमारी सिलाई लग चुकी है, अभी इसको हम इससे बराबर कर लेंगे, देख सकते हैं अभी इसको हमने हाथ से हमने इसको बराबर कर लिया। देखो अभी हमारी ये कपड़ा एक जैसा आ गया, ये देखो अभी अभी खींच के लगाएंगे सिलाई तो आसानी से हमारी सिलाई लग सकती है। तो आइए अभी दिखाते हैं लास्ट के दरमियान में हमने नेफे की तरफ सिलाई कैसे लगानी है। तो इधर से हम शुरू करते हैं, अभी ये देख सकते हैं अभी इधर हमने इसको रख लिया, सुई नीचे कर दी है। अभी इसको इधर से पकड़ना है तो इसको ऐसे खींचना है, देखो अभी फिर इसको इधर रोक लेना है सुई नीचे, फिर इसको इस तरह खींचना है, फिर ऐसे ये हमारी सिलाई लग चुकी है, देख सकते हैं इलास्टिक की हमारी सिलाई ये लग गई है। ये देखो हमारी इलास्टिक 12.5 इंच तैयार आ गई है, हमने 25 इंच काटा था सिंगल में इलास्टिक, देखो अभी ये देखो 12.5 इंच है तो 25 इंच तैयार है। ये बेल्ट देखो अभी हमारा लग चुका है, अभी हम इंशाल्लाह अभी ये देख सकते हैं एक साइड है हमारी, अभी ये दूसरी साइड है। ठीक है अभी हम इसको पांच पट्टी लगाते हैं, बुकरम लगाते हैं स्टाफ पर। देखो अभी हम पांच पट्टियाँ लगाते हैं, देखो उसी तरह के अभी बराबर करके, स्टॉप कर स्टॉप कर। अभी हम इसको इसी मार के ऐसे पांचों को अभी फोल्ड कर लेंगे, हम फोल्ड कर लेंगे कपड़े को ऐसे। अभी दूसरी साइड पे हम बुकर बिठाते हैं, ये देख सकते हैं अभी दूसरी साइड पे हम इसको बिठा रहे हैं।
फालतू बकरों को हम काट लेंगे इधर से। अब इसका कपड़े को इस तरह फोल्ड कर लेंगे। अभी इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे पांचे को। अभी पांचे को सही लगाते हैं हम। देखो सही लग चुकी है। अभी दूसरे को भी इस तरह पांचे पे सही लगाएंगे। अभी कंकर को सही लगाएंगे। देखो अभी हम 6 इंच पांचा बंद करेंगे इसका। इधर ये निशान लगा देते हैं हम। इधर हम 6 पांचा बंद कर देंगे। देखो ये अभी हम आसन की सही लगा रहे हैं। ये देखो अब इधर आसन तक पहुंच गए हैं। इसको ऐसे बराबर करके आराम से इसको मोड़ लेना है गुलाइश में। इधर ख़त्म कर रहे हैं। अभी दूसरे पांचों को हम निशान लगाएंगे। निशान लगाएंगे ऊपर रख के। 6 इंच पांचा था हमारा, ये इसको भी 6 इंच बराबर करने हैं हमने। इधर हम इसका भी निशान लगा दिया हमने 6 इंच पे। अभी इसको भी बंद करेंगे। ये सही लग गई हमारी। अभी डबल सही लगाएंगे इसको। देखो इसे खींच लेंगे, अगर टूटते तो टूट जाएगा ये धागा, लेकिन नहीं बस बस सही है। सलवट मलवट नहीं है इसमें। देखो ये सही है। अभी इसको हम डबल सही लगा देंगे। अभी इसको हम प्रेस करते हैं। ये पानी हम लगाया इसको। अभी इधर से भी हम पानी थोड़ा लगा लेंगे। अभी इसको रख के ऐसे हम इसलिए मारेंगे नाली दर्द को। ये अभी इसको भी ऐसे ऐसे लगाएंगे। ये अभी हमारी सवार की प्रेस हो चुकी है। अभी देख सकते हैं हमारी ये धोती सवार। ये हमारी अभी सवार जो है ना, धोती सवार बन चुकी है। ये आपके सामने प्लेट नज़र आ रही है। ये भी आपने देख लिया, हमारी जो है ना सलवार बन चुकी है धोती सलवार। आपको हमने पूरी वीडियो दिखा दी कि किस तरह सिलाई होता है।
तो लास्ट का भी तरीका, सब कुछ तरीका हमने आपको बता दिया। तो आज की हमारी इतनी वीडियो है, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।